आज जो कैबिनेट में मिनिस्ट्रियल कमेटी थी उसकी सिफारिशात पे एक कमेटी बनाई गई जो कि इसकी ब्रॉडशीट केस की और इस फैसले पे मबनी तहकीकात करेगा और उसके जो मेंबरान हैं वो हैं एक फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सीनियर ऑफिसर फ्रॉम FIA, सीनियर लॉयर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफिस। इस कमेटी का काम बुनियादी तौर पे इस बात को देखना होगा कि जो लंदन हाई कोर्ट आर्बिट्रेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कौन कौन से किरदार सामने आए हैं और जो हमारी इंक्वायरी कमेटी की जो TORs हैं उस पे ये सारी चीज़ें तय तक इन्वेस्टिगेट होंगी और साथ ही साथ ब्रॉडशीट का जो फैसला है ये हकायक पे मबनी सबूतों के साथ एक फैसला है जिसमें के पूरी तफसीलात भी हैं जो आपको फवाद चौधरी साहब बताएंगे और मैडम शीरी मजारी बताएंगी। इसमें सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की और आज वही लोग जो कि PDM के नाम से इस मुल्क में मारे मारे फिर रहे हैं और एक NRO की तलाश में हैं, किस तरह से उन्होंने इस कौम का इस मुल्क का पैसा लूटा, किस तरह से वो NRO से मुस्तफीद हुए। अब ये कहते हैं कि NRO हम नहीं लेंगे। इन्होंने माजी में जो NRO लिया उससे जो हमारे ये गुज़श्ता 20 साल हैं, और बाय द वे ये अहम है कहना कि ये इसमें इस 20 साल की करप्शन शामिल नहीं है, ये सिर्फ उन दो अदवार की जिसमें कि इन्होंने हुकूमत की उसका ये सबूतों के साथ फैसला है। और इन्होंने बेखौफ व खतर होकर जितनी करप्शन की, जितने असासे बनाए, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और अगर ये NRO न मिला होता इन्हें, इसी तरह तब जब प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं NRO की कि इनको नहीं मिलेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि एक NRO से मुल्क को कितना नुकसान पहुंचता है। एक नुकसान तो जो माली नुकसान है और दूसरा नुकसान ये है कि इनको हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। ये सियासत में भी आते हैं, ये ओहदों पर भी आते हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करके उन्हीं के वसाइल, उन्हीं के मुस्तकबिल को ये तबाह बर्बाद करते हैं।